राधे राधे, कृष्ण नगरी द्वारका में आपका सबका स्वागत है। सोमनाथ नगरी में महादेव के पावन दर्शन करने के बाद अभी चलते हम श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका की तरफ। ऑलराइट, तो एक बड़ी रोड ट्रिप के बाद हम पहुंच गए हमारे होटल जिंजर पर। क्या खूबसूरत होटल दिख रहा है यहाँ का। तो चलिए ये होटल में चेक इन करते हैं, लगेज वगैरह सब सेट करते हैं, रूम टूर भी देता हूँ, वेट, और फिर फटाफट लंच वगैरह करके निकलते हैं रिलीजियस प्लेसेस पे दर्शन करने के लिए। ऑलराइट, तो ये है हमारा 412 रूम नंबर और लॉबी का एम्बियंस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऐसा कुछ अंदर एंटर करते ही जोरदार है। रूम के अंदर आते ही पहले ही राइट साइड में है वॉशरूम, और यहाँ पर चाय बनाने की सारी सामग्री है यहाँ पर। तो ये देख रहे हो सामने एकदम ह्यूज डबल बेड है भाई, काफ़ी ज़ोरदार एम्बियंस है, और ज़ोरदार पेंटिंग है श्री कृष्ण जी की, और यहाँ पर फ्लैट टीवी दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टडी टेबल भी है, ये काम आएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करेंगे, और यहाँ पर खूबसूरत सी पेंटिंग है एलिफेंट की। सकते हैं यहाँ पर इंटरकॉम फैसिलिटी भी है, और ये कर्टन के उस पार क्या व्यू है देखते हैं अपन। ये घर है हमारा एक रात के लिए, यहाँ से देखिए कर्टन हटा दिया है हमने, क्या जोरदार व्यू दिख रहा है, वहाँ से हाईवे है, और ऑल इन ऑल आने वाला है मज़ा। थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं, और नीचे जाते हैं डाइनिंग हॉल में लंच के लिए। लंच करके तुरंत हम निकलने वाले हैं रिलीजियस प्लेसेस पे दर्शन करने के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम है ऑल सेट, हमारा ड्रेसिंग हमने चेंज कर लिया है। कैसा लगा ड्रेसिंग कमेंट सेक्शन में खास बताइए। तो प्लान में थोड़ा चेंज है, लंच हम हमारे होटल में नहीं कर रहे, जिंजर होटल में जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, हम लंच करने आए यहाँ पर द द्वारका होटल पर, इस जगह पर। तो लंच की थाली हमारी सेट हो गई है, देखिए थाली में क्या क्या हमने लिया है। ये स्वीट्स में हमने लिया है पाइनएप्पल सीरा, और यहाँ पर है पनीर की सब्ज़ी, दाल लिया है, और ये आलू और क्या है, गोभी आलू है, यस, और पापड़ सैलेड, और 3 रोटी। ऑलराइट, तो हम है एंट्रेंस गेट पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ये नागेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर महादेव जी के मंदिर में यहाँ पर बहुत बड़ी महादेव की प्रतिमा भी है, तो आप यहाँ पे आते हो तो इस प्रतिमा के दर्शन भी करिए। तो चलिए मंदिर के परिसर में जाते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वां स्थान है, लीजिए आप भी दर्शन कर लीजिए। महादेव जी का मंदिर, और यहाँ पर खूबसूरत रिवर फ्लो हो रही है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर में काफी खूबसूरत तरीके से दर्शन हो गए। मेरे पीछे है नागेश्वर मंदिर। इस मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, बैग वगैरह अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर बाहर लॉकर रूम में वहाँ पर रख सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज है। हर हर महादेव। दिवाली की छुट्टी की वजह से यहाँ पर भाई बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, बहुत सारे दर्शनार्थी आए हैं अलग अलग जगह से। नॉर्मली इतना भीड़ नहीं रहता है, आराम से दर्शन हो जाता है, पर आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है हर एक जगह पर, हर एक स्पॉट पर। ऑलराइट, तो अभी हमें सौराष्ट्र के लास्ट पॉइंट पर ओखा पर, और यहाँ से बोट राइड करके हम जाएंगे द्वारका। तो आज पब्लिक कुछ ज़्यादा ही है, देख रहे हो मेरे पीछे, तो सारे लोग जा रहे हैं बोट पकड़ने के लिए। हरे राम हरे कृष्ण। पब्लिक देखो यहाँ पर भाई, जेटी पे, ओका जेटी पर बोट में देखो भाई, ओवरलोड होके जा रहे हैं सब लोग। तो सामने और एक जेटी लगा है, लिमिट से ज्यादा लोग भर गए भाई इसमें।
जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई थी उनके बचपन के मित्र सुदामा से। बेट द्वारका जाना जाता है द्वारकाधीश धाम से, जहाँ पर माता रुक्ष्मणी देवी जी ने अपने हाथों से द्वारकाधीश की मूर्ति बनाई है। मंदिर का समय है सवेरे 7:30 से 12:30 और शाम को 5 से 8 बजे तक। कुछ महीनों बाद आप ब्रिज से भी डायरेक्टली जा सकते हो बेट द्वारका। ऑलराइट, तो ओखा जेटी से हमने बोट बोर्ड किया था और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर बेट द्वारका पर। जी हाँ, यहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, जो कि 7 बजे तक ही खुला रहता है और 5 बजे खुलता है, 1 से 5 बंद रहता है, उनका आराम करने का समय है कृष्ण जी का। तो यहाँ पर बेट द्वारका में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ मालूम नहीं है किधर क्या है, सब पूछते पूछते जा रहे हैं अपन, सब लोग कन्फ्यूज है, दुनिया भर की पब्लिक आ रही है, किसी को कुछ मालूम नहीं है किससे। लल्ला के दर्शन हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 7 बजे के बाद यहाँ पर मंदिर बंद हो जाता है, तो आने से पहले खास ध्यान रखें। और बोट का आने जाने का चार्ज 40 रुपीज़ है। तो अभी हम वापस आ गए जेटी पर, यहाँ पर द्वारका बेट पर, और पहुँचेंगे वापस ओखा जेटी पर। साल के आयु में श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बने। जी हाँ, श्री रुक्मणी देवी के साथ उनका विवाह हुआ यहाँ द्वारका में। द्वारका प्रसिद्ध है उसके द्वारकाधीश मंदिर के लिए। तो आइए चलिए द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करते हैं। राधे राधे। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मंदिर के परिसर में ही ट्रेन रिजर्वेशन ऑफिस है। ट्रेन कौन से टाइम पर है पूरा चार्ट डिटेल दिया है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। खूबसूरत तरीके से यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन हो गए। और आज के दिन में, आज के ब्लॉग में जितने भी साइट सीइंग आप देख रहे हो, जितने भी दर्शन आप कर रहे हो, तो आप बेटर है आप टैक्सी वगैरह बुक कर लें या फिर ऑटो बुक करके ये सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करें। राधे राधे। द्वारकाधीश मंदिर के आसपास के परिसर में यहाँ खूबसूरत मार्केट लगता है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं और काफ़ी सारे ड्रेसेस हैं बांधने के वगैरह, जैसे कि आप देख सक रहे हो मार्केट की रौनक देखिए। जगह जगह पर यहाँ पर भाई प्रसाद भी बेच रहे, इनसे प्रसाद जरूर लेना। लेता नहीं है, अरे मन से बेचो तो लेगा। ऑल राइट, तो चलिए हमारे होटल चलते हैं, जरा फ्रेश अप हो जाते हैं और एक जोरदार डिनर करते हैं। ऑल राइट, तो पूरा दिन चल चल के एकदम थक गए, जोरदार भूख लगी है और हमारी डिनर की थाली भी सज चुकी है। डिनर में हमने देखो ये लिया है सामने आलू मटर और यहाँ पे स्वीट कॉर्न की कुछ चाट बनी है। इतना छोटा प्लेट दिया है कुछ एडजस्ट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर मल्टीग्रेन दाल है और यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी है और हमने लिया है 2 चपाती और स्वीट्स में ये खीर शेव वाली। तो आइए चलिए दबा के फिनिश करते हैं पूरा खाना। ऑलराइट, तो कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? काफी फन धमाल रिलीजियस प्लेसेस पे जाके दर्शन वगैरह करके काफी अच्छा लगा। काफी सारे प्लेसेस में हमने विजिट किए आज। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर है, और उसके बाद हम गए थे द्वारका बेट, कृष्ण जी की नगरी द्वारका में, द्वारकाधीश टेम्पल पर, काफी सारी प्लेसेस पे भाई एकदम पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। सारी जगह पे दर्शन लेके भाई काफी पीस ऑफ माइंड मिला। आपको कैसे लगा ये वीडियो खास कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप द्वारका का प्लान कर रहे हो तो खास ये ब्लॉग आपके लिए है। हमने जिंजर होटल में यहाँ पर स्टे किया है, जहाँ पर आप एम्बियंस देख रहे हो आसपास का, काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस है। अगर आप थोड़ा अच्छे कंफर्ट के साथ रहना चाहते हो तो ये आप प्रीफर कर सकते हो, नहीं तो फिर आप द्वारकाधीश टेम्पल के आसपास में काफ़ी सारे उनके ट्रस्ट के रीजनेबल प्राइजेस में रूम्स भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर रेंटेड बेसिस पे स्कूटीज़ वगैरह भी मिलती है, तो आप ऑनलाइन चेक करके वो भी ले सकते हो। और जितने भी प्लेसेस मैंने आज घूमी है वो सारे मेरे पैकेज के अंदर थे। जी हाँ, हम 3 दिन से सौराष्ट्र का ब्रह्मांड कर रहे हैं, जिस पैकेज का नाम है वाइब्रेंट सौराष्ट्र बाय IRCTC। कल सवेरे हम इस लग्जरियस रिसोर्ट से करेंगे चेक आउट और निकलेंगे एक ट्रैवल की तरफ, और भी बैक टू बैक
सारी वीडियोस आने वाली है ट्रैवल्स की, तो आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ प्लीज प्लीज रखिए और सपोर्ट करिए और वीडियो को थोड़ा ढेर सारा शेयर करिए ताकि आपके भाई को थोड़ा सा हेल्प मिले, तो फिर आपके लिए काफी सारे अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स ला पाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार कॉन्टेंट के साथ। जी हाँ, कल चेकआउट करते ही काफी जोरदार कॉन्टेंट आने वाला है। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद। हेलो, रूम सर्विस, चलो ट्रैवल कंटेंट ऑन। इतने सारे डिशेस का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, हमें हेल्प कर रहे हैं यहाँ के स्टाफ पुरोहित जी। ऑलराइट, तो अभी हम लैंड हो चुके हैं इंडिया।